दोनों में पीछे मत रहना। तो ये चीज होनी चाहिए, किसी नहीं, जो गलत है गलत है। अभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुआ था, हमने 7-8 पॉइंट बताया था जिसमें एसपीजी ने गलती, और जहां भी मैंने देखा था वीडियो, तो हमने जहां सरकार अच्छा करती है हम एकदम ऐसा कहते हैं जैसे लगता है हम सरकार के प्रवक्ता है, और जहां गलती करती है तो वहां तो अच्छा से धोते भी। कैसा मैसा महसूस करते हैं सर, इस देश के 90% शिक्षित नेता जो है आपका वीडियो देखते हैं सर, और उसमें इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, शायद आपको ये बात नहीं पता है, और रेलर भी आपका वीडियो देख चुके हैं सर, और आप भी जैसे शिक्षकों के वीडियो के वजह से जो है ना शायद इसमें सुधार भी होने वाला है। कैसा महसूस करते हैं सर आप? देखिए हर कोई इंसान हम कैसे महसूस कर सकता, हमको काफी मतलब मेरा सपना रहता है कि देश बदलना चाहिए, तो देश बदलने में ना काफी वो मतलब आप थकवे नहीं कीजिएगा, जब आपको लग जाए कि नहीं हमको एक देश के पूरे सिस्टम को जो अंग्रेज जो गड्ढा खोद के गए उसको बदलने, तो एक काफी खुशी होती है ना कि अब एक ऐसी पीढ़ी जाग रही है जिसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसी पीढ़ी जाग रही और शिक्षा के क्षेत्र से ही जागेगी, उसको हम जगा के रहेंगे। लेकिन हाँ यही कोशिश करना रहता है कि हर इंसान नहीं पढ़ सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा, हम एक बार जा रहे थे ऐसे गाड़ी में जाम लगी थी, आप पटना में तो हैं, हम आपको क्या बताएं, जाम यहाँ की कॉमन समस्या रहती, तो एक आदमी सब्जी बेच रहा था ठेले पे, और उसका बेटा ना क्लास कर रहा था, हमारा ही क्लास लेके, तो हम गाड़ी का शीशा नीचे करके हम कहे बाबू किसका क्लास कर रहे हो, तो कह रहा है डिस्टर्ब मत करो हमको, फिर ध्यान से देखा तो कह रहा है प्रणाम सर। तो सोचिए सर ठेला वाला का लड़का कहाँ से बड़ी बड़ी फीस दे के पढ़ सकता है, तो हम भी यही कहते हैं, हमारा भी हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि कम से कम फी में बेहतर से बेहतर शिक्षा गांव के कन्याकुमारी के आखिरी गांव तक पहुंचना चाहिए। मैं केरल के तिरुवेंद्रपुरम में था, तो आपके बारे में ऑटो ड्राइवर ने बताया था मुझे, बहुत अच्छा लगा सर कि आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आखिरी में सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज इस देश के युवाओं को दीजिए जिससे वो इस देश में क्रांति लाए और पॉजिटिव क्रांति लाए, ताकि अपना देश जो है ना वो महाशक्ति बन सके, विश्व गुरु बन सके, एक मैसेज सर युवाओं के लिए। कि हर युवाओं को क्या कह जाए, तलवारों के साय में इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं को भी कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचिए, निरंतरता से पढ़ते रहिए, पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जो आपको अभी भी आपके हाथ में आपका फ्यूचर कहाँ तैयार है, अगर आपके पास शिक्षा आया तो हर चीज को आप लड़ के ले सकते हैं, और पढ़ाई के प्रति अगर आप पीछे हटेंगे तो आपको कोई साथ नहीं देगा। रही बात आप लोग की समस्याओं में, तो हम अपने आखिरी सांस तक डटे रहेंगे, आप लोग के साथ खड़े रहेंगे, युवाओं के साथ। और मनीष जी आपको भी बहुत, आपका भी धन्यवाद जो आप ऐसे चीजों को उठाते हैं, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। कभी हम लोग को भी इस तरह मुद्दों को अपने स्टूडेंट्स के बातों को समझे जो यहाँ तक उठाए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।